नमस्कार इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। प्यारा राजगढ़ से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। नवरात्रि में नगर में कई जगह सजे माता रानी के दरबार। देखते रहिए यूवीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। नवरात्रि में देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मां कई जगह पंडाल लगाकर सजाए गए। माता का दरबार जिसमें नगर के प्रमुख चौराहे बालाजी संघ 12 द्वारी तालाब की पाल खावरिया मोहल्ला बस स्टैंड बलबटपुरा चौराहा आदि स्थानों पर माता रानी माता आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं। श्रद्धालु माता रानी के अनेक रूपों के दर्शन कर भक्ति विमोर हो रहे हैं। तालाब की पाल पर महिला मित्र मंडल द्वारा माता रानी की झांकी हर वर्ष बनाई जाती है। सभी झांकियों में समिति के सदस्यों के द्वारा अनलॉकडाउन नियमों का पालन भी किया जा रहा है। कई झांकियों में प्रसाद वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु झांकियों का आनंद ले रहे हैं। दस एक साल को ये क्लब घर के अंदर बनाई जाती थी, उसके बाद कुछ कारणों से ये करीबन करीबन 13 साल से बाहर है। तो इसमें आप मतलब और क्या क्या करते हैं जातिवादी कुछ करते हैं? की क्या है, जैसे अब विगत लॉकडाउन है मार्च से, तो क्या है कि मोहल्ला के हमारा इतना वो नहीं है, मतलब ज़्यादा नौकरी वाले लोग नहीं है यहाँ पे, तो सब घर पर बैठे हैं। जब ज़्यादा चंदा भी नहीं हुआ तो उसी हिसाब से देखते हुए हमने मतलब बहुत कम काम किया है। मतलब ये तो हमारी झांकी में करीबन करीबन 1.5 लाख रुपये खर्च होता है। अभी हमने 70-80 हज़ार रुपये में संतुष्ट करके जैसे कैसे मतलब ये प्रोग्राम कर रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मतलब पूरा सबको बिल्कुल जो जो प्रसाद बांट रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, मतलब उनके हाथ में ग्लव्स पहनाया जा रहा है, मतलब सभी प्रकार का ध्यान रखा जा रहा है, इससे कोई परेशानी नहीं है।